लखनऊ में मौत के आंकड़े जो हैं वो डरावने हैं। जैसा भी कि मैं आपको लगातार बताता आ रहा हूँ कि चाइना का वुहान शहर जैसे हालात हो गए हैं लखनऊ में। अगर आप आंकड़ों को देखें तो आम दिनों में लगभग 20 से 30 जो शव हैं उनका अंतिम संस्कार होता था यहाँ, लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लाशों की संख्या जो है वो पर डे 200 से 300 आ रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये भैंसाकुंड बैकुंठ धाम है जो गोमती नदी के किनारे है, और आप पीछे लपटे भी देख सकते हैं। मेरे पीछे से जो धुआं निकल रहा है वो उसी शमशान घाट से है जहां पर कोरोना के पेशेंट जो हैं वो पर डे आ रहे हैं और उनका अंतिम संस्कार हो रहा है। एक आंकड़ों के अनुसार मैं आपको बता दूं कि यहां पर लकड़ियां कम पड़ रही हैं। नगर निगम जो है उसका जो बजट था वो पूरी तरह से चरमरा चुका है और उसने शासन से 20 करोड़ रुपए मांगे। वो इसलिए कि जो अंतिम संस्कार के लिए जो भी शव आ रहे हैं उनका उनके लिए लकड़ियां कम ना पड़े। जनपद बहराइच से, गोंडा से, लखीमपुर से, बलिया से लगभग 9000 कुंटल लकड़ी अभी तक आ चुकी है और लगातार जो है लकड़ी बाहर से आ रही है कि शव को शव के अंतिम संस्कार में लकड़ियां कम ना पड़े। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के हालात बने हुए हैं लखनऊ में। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लोग रिकवरी रेट दिखा रहे हैं, लोग पॉजिटिव केसेस दिखा रहे हैं, लेकिन जो मौत के आंकड़े हैं वो कोई सही नहीं दिखा रहा है। अगर आप इस बजट को देखेंगे कि अगर 20 करोड़ रुपए नगर निगम ने शासन से मांगे हैं, 9000 कुंटल लकड़ी कर कई जिलों से आ चुकी है, और आप पीछे देखेंगे अगर तो कम से कम मुझे लग रहा है कि कम से कम आज 50-100 लगभग जो है वो अभी तक जल चुके हैं। कुछ से धुआं निकल रहा है, कुछ की लपटें आपको दिख रही होंगी, और लगातार एम्बुलेंस और जो 100 गाड़ियां हैं वो लगातार आ रही हैं। तो मैं बार बार कह रहा हूं कि हालात वो हैं जो आप देख रहे हैं, हालात वो हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये सच्चाई है कि लखनऊ के हालात बहुत बुरे हैं कोविड पेशेंट की वजह से। देश यहां पे कोई सुविधा भी नहीं मिल पा रही है, शासन प्रशासन की तरफ से भी बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, लोग एम्बुलेंस में मर रहे हैं, सड़कों पर मर रहे हैं, और फिर क्या होता है कि आंकड़े जो हैं वो आपके सामने आते हैं। तो आज मेरा इस वीडियो को जारी करने का सिर्फ इतना मतलब था कि किस प्रकार से अंतिम संस्कार जो हो रहा है, कितनी लकड़ियों का खर्चा आ रहा है, कहां कहां से लकड़ियां आ रही हैं, और नगर निगम ने कितने पैसों की यानी 20 करोड़ रुपए की डिमांड की है शासन से। तो इससे आपको अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पर डे लगभग 200 से 300 सौ आ रहे हैं और कितनी भयानक स्थिति बनी हुई है। बल्कि आम दिनों में जो मरने वालों की संख्या होती थी या जो भी यहाँ पे जो भी अंतिम संस्कार होते थे सौ का जो वो करीब 20 से 30 होता था, तो करीब 10 गुना ज़्यादा जो है वो रेशियो बढ़ गया है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि लखनऊ के आसपास किस प्रकार का वुहान जैसा माहौल है, चाइना के लोग मर रहे हैं और हम आप तक रिपोर्ट पहुँचा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं संजीव सिंह राठौर सिटी न्यूज़ नेटवर्क से आज इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए आया था। आप देखते रहिए सिटी न्यूज़ नेटवर्क।